परमेश्वर मसीह की प्रतिज्ञा करता है। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी, वह जानता था कि उसे बाद में किसी दिन मसीह को भेजना होगा। उसने आदम और हव्वा से प्रतिज्ञा की कि वह ऐसा करेगा। उसने कहा कि हव्वा से एक वंशज जन्म लेगा जो सांप के सिर को कुचलेगा। जिस सांप ने हव्वा को धोखा दिया वह निसंदेह शैतान था। परमेश्वर का अर्थ था कि मसीह पूरी तरह से शैतान को पराजित कर देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके द्वारा संसार की सारी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर बाद में किसी समय पर मसीह को भेजने के द्वारा इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। वह मसीह संसार की हर एक जाति में से लोगों को उनके पाप से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि भविष्य में वह मूसा के समान एक अन्य भविष्यवक्ता को भेजेगा। यह भविष्यवक्ता मसीह होगा। इस रीति से परमेश्वर ने फिर से प्रतिज्ञा की कि वह मसीह को भेजेगा। परमेश्वर ने राजा दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि उसका एक वंशज मसीह होगा। वह राजा होगा और परमेश्वर के लोगों पर सदा के लिए शासन करेगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बात की और कहा कि एक दिन वह एक नई वाचा बांधेगा। वह नई वाचा इज़राइल के साथ सीने पर बांधी गई पुरानी वाचा के जैसी नहीं होगी। जब लोगों के साथ वह अपनी नई वाचा को बांधेगा तो वह उन पर स्वयं को व्यक्तिगत रूप से प्रकट करेगा। हर एक जन उससे प्रीति रखेगा और उसकी व्यवस्था का पालन करने की इच्छा रखेगा। परमेश्वर ने कहा कि यह उसकी व्यवस्था का उनके हृदयों पर लिख देने के जैसा होगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा। वह मसीह होगा जो उनके साथ उस नई वाचा को बांधेगा। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने यह भी कहा कि मसीह एक भविष्यवक्ता होगा। एक भविष्यवक्ता वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है और फिर लोगों पर परमेश्वर के संदेशों की घोषणा करता है। जिसे भेजने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वह मसीह एक सिद्ध भविष्यवक्ता होगा। अर्थात वह मसीह परमेश्वर के संदेशों को अच्छी तरह से सुनेगा और वह लोगों को उन संदेशों को अच्छी तरह से सिखाएगा। इजरायली याजकों ने लोगों के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाना जारी रखा। यह बलिदान लोगों के पापों के लिए उनको परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाने के स्थान पर चढ़ाए गए थे। याजकों ने लोगों के लिए प्रार्थना भी की, परंतु वह मसीह सिद्ध महायाजक होगा जो परमेश्वर को देने के लिए एक सिद्ध बलि के रूप में स्वयं को चढ़ा देगा। अर्थात वह कभी पाप नहीं करेगा और जब वह स्वयं को बलि होने के लिए देगा तो संसार की कोई भी अन्य बलि आवश्यक नहीं होगी। लोगों के समूहों पर राजा और प्रधान शासन करते हैं और कभी कभी वे गलतियां करते हैं। राजा दाऊद ने केवल इजरायलियों पर शासन किया, परंतु राजा दाऊद का वंशज मसीह पूरे संसार पर शासन करेगा और वह सदा के लिए शासन करेगा। इसके अलावा वह हमेशा न्यायपूर्ण रीति से शासन करेगा और सही निर्णयों को लेगा। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में बहुत सी बातों को कहा। उदाहरण के लिए मलाकी ने कहा कि मसीह के आने से पहले एक अन्य भविष्यवक्ता आएगा। वह भविष्यवक्ता बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा कि मसीह एक कुंवारी से जन्म लेगा और मीका भविष्यवक्ता ने कहा कि मसीह बेतलहम नगर में जन्म लेगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि मसीह गलील के क्षेत्र में वास करेगा। जो लोग बहुत दुखी हैं, मसीह उनको शांति देगा। वह कैदियों को भी स्वतंत्र करेगा। मसीह बीमारों को और जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या चल नहीं सकते, उनको भी चंगा करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने यह भी कहा कि लोग मसीह से नफरत करेंगे और उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। अन्य भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह का एक साथी उसके विरुद्ध उठेगा। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा कि उसका यह साथी ऐसा करने के लिए दूसरे लोगों से चांदी के 30 सिक्के लेगा। इसके अलावा
कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा कि लोग मसीह को मार डालेंगे और यह कि वे उसके वस्त्रों के लिए जुआ खेलेंगे। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि मसीह कैसे मरेगा। यशायाह ने भविष्यवाणी की कि लोग मसीह पर थूकेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे पीटेंगे, वे उसे छेद देंगे और वह बड़ी पीड़ा और यातना में मर जाएगा, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि मसीह पाप नहीं करेगा, वह सिद्ध होगा, परंतु वह इसलिए मरेगा, परमेश्वर उसे अन्य लोगों के पापों के कारण दंडित करेगा। उसके मरने से लोग परमेश्वर के साथ मेल करने में सक्षम होंगे, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मसीह मरे। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि परमेश्वर मसीह को मरे हुओं में से जीवित करेगा। यह दर्शाता है कि यह सब नई वाचा को बांधने की परमेश्वर की योजना थी, ताकि वह उन लोगों को बचा सके जिन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं पर मसीह के बारे में बहुत सी बातों को प्रकट किया, परंतु मसीह उन भविष्यवक्ताओं में से किसी के भी जीवन काल में नहीं आया था। इन भविष्यवाणियों के दिए जाने के 400 से अधिक वर्षों के बाद सही समय पर परमेश्वर मसीह को इस संसार में भेजेगा।